You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ रहे थे और फ्लिप फ्लॉप्स में हमने देखा SR लैच यूजिंग NAND गेट, यूजिंग NOR गेट और SR फ्लिप फ्लॉप देखा और D फ्लिप फ्लॉप देखा। SR फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम थी और वो थी प्रोहिबिटेड कंडीशन, जिसे हम रेस कंडीशन भी बोलते हैं। तो वो प्रोहिबिटेड कंडीशन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, D फ्लिप फ्लॉप लाए। लेकिन D फ्लिप फ्लॉप में अगेन एक प्रॉब्लम हो गई कि प्रोहिबिटेड कंडीशन तो रिमूव हो गई, साथ ही साथ होल्ड कंडीशन भी रिमूव हो गई। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो फायदा हुआ कि प्रोहिबिटेड कंडीशन चली गई D फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन एक लॉस ये हुआ कि होल्ड कंडीशन भी वहां से जा चुकी थी। तो अब आगे एक और फ्लिप फ्लॉप आया, दैट इज कॉल्ड JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप, देखिएगा JK फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। SR फ्लिप फ्लॉप को ही लिया, SR से ही हमने D बना के बताया था। SR फ्लिप फ्लॉप लिया और SR फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट हैं, उन आउटपुट को फीडबैक किया ये बन गया हमारा J और यहां से ये बन गया हमारा K। देखिए, Q से फीडबैक लिया इधर और Q कॉम्प्लीमेंट से फीडबैक लिया इधर और ये बन गया हमारा। अब अगर हम इसको एक बॉक्स में बंद कर दें तो ये क्या बन चुका है हमारा, JK फ्लिप फ्लॉप। अब JK फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देखते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप की टेबल आप लोगों को याद होगी, ट्रुथ टेबल। एक बार और बना देते हैं हम, ये ट्रुथ टेबल हम बनाने जा रहे हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये था होल्ड कंडीशन। तो यहां क्यू आएगा, यहां क्यू का कॉम्प्लीमेंट, अगर इसे n प्लस 1 बोलेंगे तो ये qn का कॉम्प्लीमेंट। जीरो, ये हो गई होल्ड कंडीशन। 0 1 रीसेट कंडीशन, ये 0 ये 1 रीसेट कंडीशन। 1 0 सेट कंडीशन, ये 1 ये 0 सेट कंडीशन। 1 1 प्रोहिबिटेड कंडीशन, ये प्रोहिबिटेड कंडीशन हो गई। ये हमने सीखा था SR फ्लिप फ्लॉप में। JK फ्लिप फ्लॉप की हम टेबल बना के देखते हैं और देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। JK फ्लिप फ्लॉप में फिर से हम वही का वही करते हैं कि J लिया, K लिया, Qn प्लस 1 लिया, Qn प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया और देखते हैं ट्रुथ टेबल बना के होता क्या है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। चलिए, जब J 0 है और K 0 है तो आप देखोगे यहां पे, देखिए अच्छे से, यहां से क्या आएगा Qn, अगर इसे हम Qn मान के चले, ये Qn कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से क्या आएगा Qn कॉम्प्लीमेंट। इधर क्या आ गया Qn कॉम्प्लीमेंट, यहां कितना आएगा Qn। जब दोनों 0 0 हैं तो J0 K0, तो 0 × Qn कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 और 0 × Qn भी क्या होगा 0, तो यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 0। मतलब जब J और K दोनों 0 0 हैं, उस केस में S और R दोनों को क्या मिल रहा है 0 0, तो 0 0 SR को मिलता है, तो कौन सी कंडीशन होती है, होल्ड। यानी कि यहां पे भी हमें कौन सी कंडीशन मिल गई, होल्ड, जो कि D फ्लिप फ्लॉप में रिमूव हो चुकी थी। वो होल्ड कंडीशन हमें यहां पे मिल चुकी है। J और K 0 रखोगे तो हमें होल्ड कंडीशन मिल जाएगी। चलिए, अब हम चेक करते हैं 0 1 देते हैं। जब हम 0 1 देंगे तो J को दिया हमने 0, तो ये तो हो जाएगा 0, K को दिया हमने 1, तो ये हो जाएगा हमारा Qn। J को दिया 0 तो ये हुआ 0, K को दिया हमने कितना 1, तो 1 × Qn क्या हो गया हमारे पास, Qn हो गया।
अब हमें आगे चेक करना है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इस केस में देखिएगा, इस केस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे रखते हैं, देखिए हमने जे दिया जीरो, के दिया कितना, दिया के को वन, तो हमें क्या मिला, एस इज इक्वल टू मिल गया जीरो यहां से, और आर इज इक्वल टू मिल गया क्यू एन। अब सिंपल सी बात समझिएगा कि क्यू एन या तो जीरो हो सकता है या फिर क्यू एन क्या हो सकता है, वन हो सकता है। तो जब क्यू एन जीरो होगा उस केस में देखिए एस तो जीरो ही है, आर भी क्या हो जाएगा जीरो, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, होल्ड कंडीशन कहलाएगी, और होल्ड कंडीशन में नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो प्रेजेंट स्टेट के बराबर होती है, और प्रेजेंट स्टेट यहां कितनी है जीरो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। जब हमने क्यू एन को दिया वन तो देखिए आर की वैल्यू हो जाएगी वन, तो एस इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो ये केस एस जीरो आर वन, एस जीरो आर वन कौन सी कंडीशन होती है, रीसेट, और रीसेट के केस में नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आती है, जीरो। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं, चाहे प्रीवियस स्टेट प्रेजेंट स्टेट चाहे जीरो हो चाहे प्रेजेंट स्टेट वन हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आ रही है, जीरो ही आ रही है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, जीरो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, वन हो जाएगा। ये चीज हमने सीख ली है, यहाँ जे को जीरो दिया और के को वन दिया तो भी वही की वही जो हमें पहले मिल रही थी वही स्टेट यहां मिल रही है, कौन सी, रीसेट। चलिए अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, अब हम जे को दे रहे हैं वन और के को दे रहे हैं जीरो। जब के को हम जीरो देंगे तो यहां मिलेगा जीरो, और जे को जब हम वन देंगे तो यहां मिलेगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिएगा, जे को हमने दिया वन, के को हमने दिया जीरो, तो एस इज इक्वल टू मिला क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, आर इज इक्वल टू मिला जीरो, आर इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो। अब देखिए सबसे पहले हम क्यू एन इज इक्वल टू जीरो मानते हैं, जब क्यू एन को जीरो मानेंगे तो एस इज इक्वल टू जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू जीरो कौन सी कंडीशन है, सेट कंडीशन, और सेट कंडीशन में नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आती है, वन आती है। दूसरा केस हम ये मान लेते हैं कि क्यू एन इज इक्वल टू हम वन दे दें, क्यू एन इज इक्वल टू जब वन देंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और आर इज इक्वल टू तो ऑलरेडी है जीरो, तो एस और आर जीरो जीरो, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, होल्ड कंडीशन, और होल्ड कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो प्रेजेंट स्टेट के बराबर आती है, तो प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे कितनी है, वन, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आएगी, वन। दोनों केस में देखिए जब क्यू एन जीरो है तब भी क्यू एन प्लस वन वन आ रहा है, जब क्यू एन वन है तब भी क्यू एन प्लस वन क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब इस केस में नेक्स्ट स्टेट जो हमारी है वो कितनी आने वाली है, वन आने वाली है, तो नेक्स्ट स्टेट हो गई वन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जीरो, ये कौन सी कंडीशन हो गई, सेट कंडीशन। तो होल्ड, रीसेट और सेट ये तीनों कंडीशन तो सेम है, जैसी जेके एस आर फ्लिप फ्लॉप में थी वैसे ही जेके में है। अब हम दोनों को वन वन देते हैं, जब दोनों को वन वन दिया तो यहां मिलेगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और यहां मिलेगा क्यू एन। अब देखिएगा एस इज इक्वल टू है क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और आर इज इक्वल टू है क्यू एन, एस इज इक्वल टू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और आर इज इक्वल टू क्यू एन। यहां एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग लगाइए कि जो एस में है आर में उसका कॉम्प्लीमेंट है, या जो आर में है उसका एस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो कंफर्म है। देखिए ये होल्ड कंडीशन तो हो नहीं सकती क्योंकि होल्ड कंडीशन में तो एस और आर बराबर होते हैं, तो देखो होल्ड कंडीशन तो नहीं हो सकती क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। प्रोहिबिटेड कंडीशन भी नहीं हो सकती क्योंकि प्रोहिबिटेड कंडीशन में भी एस और आर दोनों इक्वल टू वन होते हैं, तो यहां तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। सेट या रीसेट कंडीशन हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर क्यू एन की वैल्यू हम वन रख दें तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो हमारी सेट कंडीशन हो जाएगी, और अगर हम क्यू एन की वैल्यू जीरो रख दें तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो, सॉरी क्यू एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वन, ये जीरो, तो सेट कंडीशन, और क्यू एन की वैल्यू अगर वन रखें तो ये जीरो और ये वन, तो रीसेट कंडीशन। मतलब ये कंफर्म है कि यहां पे या तो है सेट कंडीशन या फिर है रीसेट कंडीशन। कब, जब दोनों को वन वन दिया तो आइदर सेट और रीसेट, डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट क्या थी, प्रेजेंट स्टेट जीरो थी तो ये वन जीरो मतलब सेट, प्रेजेंट स्टेट वन थी तो ये जीरो वन तो रीसेट। तो ये तो कंफर्म है कि ये या तो सेट है या रीसेट है। अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेट आएगी क्या,
अच्छे से देखो आप, सेट और रीसेट दोनों ही कंडीशन में नेक्स्ट ट्रेड जो होती है वो होती है जो एस की वैल्यू होती है। देखिए अच्छे से, रीसेट में एस की वैल्यू क्या है, जीरो, तो नेक्स्ट ट्रेड क्या मिल रही है, जीरो। सेट में एस की वैल्यू क्या है, वन, तो नेक्स्ट ट्रेड क्या मिल रही है, वन। यानी कि जब भी सेट और रीसेट कंडीशन होती है तो नेक्स्ट ट्रेड क्यू एन प्लस वन की वैल्यू वो होती है जो एस की वैल्यू होती है। तो यहां एस की वैल्यू कितनी है, क्यू एन बार, यानी कि क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, क्यू एन बार। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, क्यू एन बार, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू एन। इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनवर्स कंडीशन। क्या सीखने को मिला हमें, एक चीज हमें सीखने को मिल गई यहां पे कि यहां पे एक चीज हमें सीखने को मिल चुकी है कि जब भी हम जी और के को क्या देते हैं, वन वन देते हैं, तो हमें प्रोहिबिटेड कंडीशन नहीं मिल रही है, प्रोहिबिटेड कंडीशन रिमूव हो गई, उसकी जगह कौन सी कंडीशन आ गई, इनवर्स कंडीशन आ गई। मतलब प्रेजेंट स्टेट जो भी रही होगी, नेक्स्ट स्टेट उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, इसे कॉम्प्लीमेंट स्टेट भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना कि यहां पे एक क्लॉक भी दी गई होगी, और क्लॉक को आप चाहो तो यहां दे दो, और अगर चाहो तो बाहर से भी दे सकते हो, यहां भी क्लॉक को दे सकते हो, चाहे तो इस एंड गेट पे दे दो, या पहले एस और आर पे जो क्लॉक दी गई होगी वो क्लॉक वैसे भी बना सकते हो। इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी अभी बना के बताते हैं, जो इंटरनल था इस एस आर का, और फिर से हम जे के बनाएंगे। तो हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो प्रोहिबिटेड कंडीशन थी, जे के फ्लिप फ्लॉप में वो क्या बन चुकी है, इनवर्स कंडीशन बन चुकी है। अब इनवर्स कंडीशन तो आ गई, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, देखिए हमने सीखा था कि जो क्लॉक है वो क्लॉक लेवल ट्रिगरिंग भी हो सकती है और एज ट्रिगरिंग भी हो सकती है, लेकिन लेच में तो क्या होती थी, लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग का मतलब मान लीजिए ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, और हमने यहां पे जे की वैल्यू वन कर दी और के की वैल्यू भी वन कर दी, और हम देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए इनिशियली क्यू एन प्लस वन जीरो था, और ये हाई लेवल ट्रिगर्ड है या पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, तो जैसे ही ट्रिगरिंग मिलेगी तुरंत जो नेक्स्ट स्टेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट तो हो गई, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है यहां पे, ये चीज देखिए कि अगर आपके पास कोई जे के फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें जे और के गया वन, आउटपुट मिला आपको कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिला, तो आउटपुट हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कुछ डिले होगा यहां से यहां तक पहुंचने का, वो मान लीजिए टीडी है डिले, किसका, फ्लिप फ्लॉप का डिले टीडी। उतने डिले में हमें आउटपुट मिल जाता है कॉम्प्लीमेंटेड, तो मान लेते हैं तुरंत ना मिलके थोड़े से डिले के बाद मिला, ये मिला हमें कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। जैसे ही ये डिले कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे दोबारा से फिर से जे और के तो अभी बन ही है, तो जब जे और के बन जाएंगे तो अब ये बोलेगा ये फिर से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इसका। भाई पहले अगर मान लेते हैं जीरो था, तो इतने टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, वन, फिर से इतने टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो, फिर से इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वन। तो यहां पे क्या होने लगेगी, बार बार आउटपुट चेंज होता रहेगा, बार बार आउटपुट क्या होगा, इनवर्ट होता रहेगा। और जब ये खत्म होगी हमारी ट्रिगरिंग, तो हमें नहीं पता कि उस टाइम पे आउटपुट वन रहेगा या जीरो रहेगा, डिपेंड करेगा कि ये टाइम डिले टीडी और ये क्लॉक का ड्यूरेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जैसे ही ये खत्म होगी हमारी ट्रिगरिंग, उस टाइम पे हो सकता है कि नेक्स्ट डेट जीरो हो जाए, और हो सकता है कि नेक्स्ट डेट क्या रहे, वन रहे, डिपेंड करता है कि इसकी डिले, फ्लिप फ्लॉप का डिले कितना है। तो यहां जो हम इनवर्स समझ रहे हैं वो इनवर्स कंडीशन होल्ड में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए इनका, मान लीजिए टाइम डिले थोड़ा सा ज्यादा हो गया,
तो आप देखिए अब हमें क्या मिल रहा है, यहां जीरो था, फाइनली क्या मिला, वन, और यहां ट्रिगरिंग खत्म, तो ये वन ही रहेगा। लेकिन अगर यही टाइम डिले अभी हमने कम करके देखा था, तो यहां क्या मिला, अब जीरो मिल गया, तो जीरो मिला तो यहां ट्रिगरिंग खत्म, तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। मतलब पहले भी जीरो था, यहां पे भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, और यहां वैल्यूज जो है वो बार बार चेंज होती रहेगी, बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस कंडीशन को बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन। ध्यान रखना कि जब भी जे के फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट को बंद दिया जाता है तो आउटपुट बार बार चेंज होता रहता है, और ट्रिगरिंग खत्म होने के बाद हमें नहीं पता रहता कि फाइनली इन्वर्स मिलने वाला है या होल्ड। हम तो आइडियली क्या मान के चल रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि एक बार ही इन्वर्स होगा, इसलिए हमने इन्वर्स लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लॉक का जो ड्यूरेशन है वो इस टाइम डिले से बहुत ज्यादा होता है, तो जब बहुत ज्यादा होता है तो एक से ज्यादा बार यहाँ इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट होगा आउटपुट। तो जब एक से ज्यादा बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो डिपेंड करता है कि इवन टाइम कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या ऑड टाइम्स। अगर ऑड टाइम्स कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो इनवर्स कंडीशन मिल जाएगी, अगर इवन टाइम्स हो रहा है तो क्या मिलेगी, तो फिर क्या मिलेगी, होल्ड कंडीशन। तो इनवर्स और होल्ड कोई भी कंडीशन मिल सकती है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। मतलब आउटपुट जो है वो खुद में ही उसमें रेस में लग जाती है कि वो जीरो होता है वन होता है, जीरो होता है वन होता है, वो खुद वही का वही आउटपुट। तो इस कंडीशन को बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन। और इस कंडीशन को रिमूव करने के दो तरीके हैं। हम चाहते क्या है एक्चुअल में, वन वन पे मिलना क्या चाहिए, इनवर्स कंडीशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि होल्ड भी हो सकती है, इनवर्स भी हो सकती है, और बार बार चेंज हो रहा है। इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए, रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप इस लेवल ट्रिगरिंग की जगह एज ट्रिगरिंग दे दो। हमने पढ़ा है ना एज ट्रिगरिंग, लेच में होती है लेवल ट्रिगरिंग और फ्लिप फ्लॉप में क्या होती है, एज ट्रिगरिंग। मान लीजिए एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, दरवाजा केवल थोड़े से टाइम के लिए खुलेगा। तो जब थोड़े से टाइम के लिए दरवाजा खुलेगा तो जैसे ही दरवाजा खुला इनपुट उसमें वन वन चले गए, और वन वन चले गए तो उन वन वन इनपुट के कारण आउटपुट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब एक बार जब कॉम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद जैसे ये क्लॉक लो से हाई होगी और तुरंत दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद तो इनपुट का आउटपुट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये जो रेस अराउंड कंडीशन है वो रिमूव हो जाएगी। मतलब रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने का एक तरीका आपको पता चल गया है कि यूज एज ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग इन प्लेस ऑफ लेवल ट्रिगरिंग। तो कोई बोलेगा कि लेवल ट्रिगरिंग तो लैच में यूज होती है, एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप में यूज होती है। तो हमने पहले ही बताया था कि हम भले ही फ्लिप फ्लॉप वर्ड यूज कर रहे हैं, आप ये समझिए कि वो एक सीक्वेंशियल सर्किट है, जो कि हम विदाउट क्लॉक की बात कर रहे हैं। तो अब क्लॉक में उसमें नॉर्मली पहले हम लेवल ट्रिगरिंग ही देते थे तो उसे लैच ही बोलते थे, फिर हमने उसी सर्किट में एज ट्रिगरिंग देना स्टार्ट किया तो एज ट्रिगरिंग के बाद उसी का नाम हम फ्लिप फ्लॉप बोलने लगे। तो ध्यान हमें ये रखना है कि जब वर्ड फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो हम मान ही लेते हैं कि एज ट्रिगरिंग है, तो एज ट्रिगरिंग के केस में फिर सिर्फ क्या मिलेगी, इनवर्स कंडीशन मिलेगी। तो ध्यान रखना फ्लिप फ्लॉप में अगर एज ट्रिगरिंग है, अब वो वर्ड जब भी हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो आप ये हमेशा मत मानिए कि एज ट्रिगरिंग ही दी है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है इट मे बी लेच और फ्लिप फ्लॉप। ध्यान रखना पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप, लेच को अलग से बोला नहीं जाता, एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप ही वर्ड यूज करते हैं हर जगह, हर बुक में फ्लिप फ्लॉप ही यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ही वही रहेगा कि एक सीक्वेंशियल सर्किट है, इट मे बी लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। लेकिन जब डिफरेंस की बात करेंगे दोनों में तो हम बता चुके हैं आपको कि लेवल ट्रिगरिंग होती है लैच में और एज ट्रिगरिंग होती है फ्लिप फ्लॉप में। तो ध्यान हमें यह रखना है कि फ्लिप फ्लॉप में जो रेस अराउंड कंडीशन होती थी पहले, जब फ्लिप फ्लॉप को क्या बोला जाता था, लैच बोला जाता था, तो रेस अराउंड कंडीशन होती थी, किसके कारण होती थी, ड्यू टू लेवल ट्रिगरिंग। क्योंकि लेवल ट्रिगरिंग में बहुत टाइम तक दरवाजा ऑन रहता था और उतने टाइम में कई बार आउटपुट जो है वो टॉगल्ड हो जाता था। टॉगल्ड मतलब 0101, मतलब कॉम्प्लीमेंट कई बार हो जाता था। तो एक्चुअली वो उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट आएगा या सेम आएगा, उस कंडीशन को हम रेस अराउंड कंडीशन बोलते थे।
उस कंडीशन को हटाने के दो तरीके मिले थे जो हमने एज ट्रिगरिंग लिख दिया, ये तो बाद में आया, इससे भी पहले एक तरीका आया था और वो था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, क्या होता है हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने का ही एक तरीका था। उसमें कुछ ऐसा किया जाता था कि दो फ्लिप फ्लॉप लगे थे तो थोड़े से टाइम के लिए एक ऑन हुआ, जब एक ऑन हुआ तो दूसरा उस टाइम पे ऑफ रहेगा, फिर जब दूसरा ऑन हुआ तो पहला ऑफ, तो एक टाइम पे कंटिन्यू ऑन रहते ही नहीं थे। जब कंटिन्यू ऑन नहीं रहते थे तो पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो एक ही बार में ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, दूसरा तब तक रुका रहेगा, फिर दूसरे को आगे बढ़ा देंगे तब ये रुक जाएगा, तो दूसरी बार का जो आउटपुट है वो इनवर्स होके नहीं आ पाएगा। उसको हम डिटेल में बताएंगे जब मास्टर स्लेव बताएंगे। तो एक तो मास्टर स्लेव होता है इसका सॉल्यूशन, मतलब आपको ध्यान रखना है कि फ्लिप फ्लॉप जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली पहले लेच हुआ करते थे, और लेच में कौन सी ट्रिगरिंग रहती थी, लेवल ट्रिगरिंग रहा करती थी पहले। तो जो फ्लिप फ्लॉप हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो पहले लेच हुआ करते थे, और उन लेचेस में लेवल ट्रिगरिंग के कारण जे और के को जब दोनों को बन बन देते थे तो रेस अराउंड कंडीशन बनती थी, मतलब आउटपुट जो है वो टॉगल्ड होता रहता था, बार बार कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो कभी क्यू एन बार फिर क्यू एन फिर क्यू एन बार फिर क्यू एन ऐसा आता रहता था। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, जे के फ्लिप फ्लॉप की उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए पहले आया मार्केट में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। फिर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में कुछ डिसएडवांटेज थे, जिनमें से एक है कि उसका कॉम्प्लेक्स सर्किटरी थी और दूसरा था टाइम डिले बहुत ज्यादा लग रहा था, तो स्पीड स्लो हो गई थी। तो फिर इसकी जगह फिर हमने यूज किया एज ट्रिगर, एज ट्रिगरिंग यूज की, और फिर मार्केट में हम लेच को फ्लिप फ्लॉप बोलने लगे। तो अभी फ्लिप फ्लॉप वर्ड यूज करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पहले लेच थे उनको भी हम अभी फ्लिप फ्लॉप ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों में अंतर समझना है तो ध्यान रखना है कि पहले जो सीक्वेंशियल सर्किट हुआ करते थे उनको, सारे नहीं, कौन से सीक्वेंशियल सर्किट जिनका हमने अभी सर्किट बनाया, उनमें जिनमें लेवल ट्रिगरिंग रहती थी या कोई क्लॉक नहीं रहती थी उनको हम बोलते थे कौन सा, लेच बोलते थे, और अभी क्या बोलने लगे हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलने लगे। तो ध्यान रखना ये रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है, जब दोनों को बन बन देते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप में दोनों को बन बन देते थे तो उस कंडीशन को रेस कंडीशन बोलते थे और प्रोहिबिटेड कंडीशन भी बोलते थे, इसमें इनवर्स कंडीशन बोलेंगे और क्या बोलेंगे, रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टॉगलिंग हो रही है आउटपुट की बार बार, किस कारण से हो रही है, लेवल ट्रिगरिंग के कारण। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन है, मास्टर स्लेव और एज ट्रिगरिंग, ये दोनों हम एज ट्रिगरिंग तो हमने समझा ही दी है, क्योंकि एज ट्रिगरिंग में दरवाजा बहुत कम टाइम के लिए खुलता है तो एक ही बार टॉगल हो पाएगा आउटपुट, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो इससे सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन ये बाद में आया, इससे पहले सॉल्यूशन क्या आया था, मास्टर स्लेव। तो मास्टर स्लेव के डिसएडवांटेज थे कि ये कॉम्प्लेक्स था और टाइम डिले ज्यादा लगता था, तो ये बाद में बताएंगे। तो अभी हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ तो लिया, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप का पूरा सर्किट एक बार हम बना देते हैं। देखिए, हमने देखा था नैंड गेट की सहायता से एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसा बनता है। देखिए, पहले नैंड गेट की सहायता से एसआर फ्लिप फ्लॉप देखिए और फिर उसे हम कन्वर्ट करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। ये हमारा था एस, ये हमारा था आर, और यहां पे हम दे देते थे क्लॉक, और यही ये था क्यू एन और ये था क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम बोलते थे एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसी में हमने क्या किया, आगे बढ़ाया इसको और यहां पे बोला इसे भी आगे बढ़ाया, यहां पे दे दिया जे और यहां पे दे दिया जे और यहां पे दे दिया के, एस पे जे आर पे के, और यहां से एक फीडबैक लिया इधर दे दिया और यहां से एक फीडबैक दिया और इधर दे दिया। तो ये बन गया हमारा क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में चाहे तो क्लॉक यहां दे दो और नहीं चाहते हो तो वही की वही क्लॉक आपको यहां भी दे सकते हो, तो एक ही बात है, चाहे तो क्लॉक यहां दे दो सेम रिजल्ट होगा, और अदरवाइज यहां क्लॉक दे दो तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये बन चुका है जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट। यही जेके फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट की सहायता से भी आप बना सकते हो, जो हमने नैंड गेट की सहायता से बनाया, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दो
ऐड करना है, तो वो दो भी हम ऐड कर सकते हैं, उसको भी बना के हम बता देते हैं कैसे बनाते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को अगर हम नॉर गेट की सहायता से बनाना चाहें तो नॉर गेट की सहायता से देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसा होता था, ये क्यूएन कॉम्प्लीमेंट, ये क्यूएन, यहां होता था एस, यहां होता था आर। आपने देखा था कि हमने उसमें क्या किया था, एक एंड गेट लिया था और यहां पे क्लॉक दे दी थी और फिर बोला था कि अब ये एस यहां ना देके यहां पे दे दो, ये आर यहां ना देके यहां पे दे दो। जब भी क्लॉक बंद होगी तो यहां एस मिलेगा, यहां आर मिलेगा, जब भी क्लॉक जीरो होगी तो दोनों पे जीरो जीरो मिलेगा, तो होल्ड कंडीशन हो जाएगी। तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप था। इसी को अगर जेके में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, आप यहां जे दे दो और यहां के दे दो और बस। अब तो देखो ध्यान रखना है, के पे क्यू एन से जाता था तो नीचे है क्यू एन तो यहीं से ले जाएंगे, और जे पे जाता था क्यू एन बार पे तो ऊपर ही है तो यहां से ले जाएंगे। तो ये कर सकते हो, चाहो आप तो ये क्लॉक को यहां भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आप देखो कि ये भी एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, तो आप चाहो तो इस एंड गेट को खत्म करके इन दोनों को यहां, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। देखिए एंड का मतलब क्या है कि यहां पे रिजल्ट जो है वो आएगा जे इंटू क्यू का कॉम्प्लीमेंट और आगे आएगा जे इंटू क्यू का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्लॉक। तो दो एंड लगाने की बजाय आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये भी दे दो इस पे और जे भी दे दो इस पे, सिमिलरली यहां पे भी ये भी दे दो और ये भी दे दो। तो ये भी एक तरीका है, ये भी क्या कहलाएगा हमारा, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हमने बना लिया यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसकी ट्रुथ टेबल भी देख ली। अब ट्रुथ टेबल में हमने देखा क्या, देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप की हमने ट्रुथ टेबल जो बनाई उसमें हमने जो देखा था वो हमने कैसे देखा था, देखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 यहां देखी थी होल्ड कंडीशन, यहां देखी थी हमने सेट रीसेट कंडीशन तो ये जीरो आएगा, यहां सेट कंडीशन तो वन और यहां इनवर्स कंडीशन तो कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ये मान के चलें कि रेस अराउंड कंडीशन रिमूव हो चुकी है तब। इसी को हम तीनों के फॉर्म में अगर बनाएं, तीनों के फॉर्म में मतलब नेक्स्ट स्टेट को बनाना है इनपुट और प्रेजेंट स्टेट के फॉर्म में, तो इस तरीके से बना सकते हैं हम 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। इस फॉर्म में अगर हम नेक्स्ट स्टेट को बनाना चाहें तो देखिएगा जरा कि रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। जब 0 0 है तो होल्ड, होल्ड मतलब जो प्रेजेंट है वही नेक्स्ट। जब 0 1 है, 0 1 तो रीसेट, रीसेट में आउटपुट हमेशा 0 आएगा, इससे मतलब नहीं। 1 0 है तो सेट, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। 1 1 है तो इनवर्स, इनवर्स मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर 0 0 है तो होल्ड, होल्ड कंडीशन में जो प्रेजेंट है वही की वही। 0 1 है तो रीसेट, रीसेट में 0। 1 0 है तो सेट, सेट में 1 और 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास मिल चुकी है। तो ट्रुथ टेबल बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रेजेंट स्टेट को भी इधर ले लो, दूसरा प्रेजेंट स्टेट को यहां लिख लो, दोनों तरीके। अगर हम के मैप बनाएं यहां पे, तो ये हो गया क्यू एन, ये हो गया जेके, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 1। देखिए जरा 000 पे 0 है, 001 पे भी 0 है, 010 पे 1 है, 010 पे 1, 011 पे 1 है, 100 पे 1, 100 पे 1, 101 पे 0, 110 पे 110 पे 1 और 111 पे 0। ये मिल गया हमें। इसको अगर हम देखें तो यहां देखिए एक तो पेयरिंग ये बनी और दूसरी पेयरिंग ये बनी, इसकी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही बन क्या हो गए हैं, यूज हो चुके हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट,
और इन दोनों में क्या मिलेगा जे। यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्यू एन और इन दोनों में हमें क्या मिलेगा के कॉम्प्लीमेंट, के कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली हमने देखा कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या आ चुकी है, जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, ये हो गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ट्रुथ टेबल देख ली हमने और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देख ली जेके फ्लिप फ्लॉप की। जे है ये जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ट्रुथ टेबल तो हमने देख ली जेके फ्लिप फ्लॉप की। अब हम देखते हैं इसी की एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल की अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन टेबल बनाना हमें आता है कि किस किस के फॉर्म में, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के फॉर्म में क्या निकालना होता है, इनपुट निकालना होता है। तो ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप पे बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखिएगा जरा, आउटपुट आपको क्या चाहिए है, नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेट जीरो कब आती है, या तो रीसेट कंडीशन हो पहली चीज, तो रीसेट कंडीशन में जे इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू वन, रीसेट कंडीशन अभी हमने देखी थी। दूसरा देखिए, जो यहां है प्रेजेंट स्टेट में वही नेक्स्ट में है, मतलब होल्ड कंडीशन भी है। तो होल्ड कंडीशन में j इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू जीरो, तो यहां दोनों ही कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, मतलब यहां या तो हो सकती है रीसेट या हो सकती है होल्ड। तो दोनों कंडीशन में देखो j तो हमेशा जीरो है, k जीरो या वन कुछ भी हो सकता है, तो डोंट केयर, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, आप इसमें आप देख रहे हो कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, वन। नेक्स्ट स्टेट वन आती है सेट में, और सेट में जे इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू जीरो। साथ ही साथ जो प्रेजेंट स्टेट है उसका नेक्स्ट स्टेट जो है कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में इनवर्स कंडीशन, इनवर्स कंडीशन में जे इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू वन होता है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है, आइदर सेट और इनवर्स। तो इन दोनों कंडीशन में देखिए जे तो वन है लेकिन के जीरो वन कुछ भी है, तो ये डी हो गया, डोंट केयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, जीरो। जीरो मतलब रीसेट कंडीशन, और रीसेट में जे इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू वन। साथ ही साथ देखिए जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इनवर्स कंडीशन भी हो सकती है, इनवर्स में जे इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, मतलब रीसेट हो सकती है या इनवर्स हो सकती है। इन दोनों केस में देखिए के तो वन है लेकिन जे जीरो या वन कुछ भी हो सकता है, तो डोंट केयर। यहां देखिए अब आगे, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या है, वन है। नेक्स्ट स्टेट वन आती है सेट कंडीशन में, सेट में जे इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू जीरो। साथ ही साथ आप देखिए कि जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है, मतलब यहां पर होल्ड कंडीशन भी आएगी, होल्ड में जे इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो। तो यहां देखिए के तो जीरो है लेकिन जे वन या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये बन चुकी है एक्साइटेशन टेबल। इसमें एक ट्रिक फिर से है, देखिए जीरो वन डी डी और नीचे से ऊपर जाओगे तो जीरो वन डी डी। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल बन गई। तो आज हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी रेस अराउंड कंडीशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख ली, ट्रुथ टेबल देख ली, एक्साइटेशन टेबल देख ली। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको शेयर जरूर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। तो आपको ऑर्डर में वीडियो देखना है, ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।